हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं जब वो अपने मासिक धर्म में होती हैं तो उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है या वो उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है या वो नहीं जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं बचपन में तो हमें इस बात को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा। और आप मेरे चैनल पे आए हो तो इसका मतलब यही हुआ कि आप भी जानना चाहते हो कि महिलाओं को उनके मासिक धर्म के उनके पीरियड्स के दौरान किसी मंदिर में अलाउ क्यों नहीं किया जाता या वे क्यों नहीं जाती हैं। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या रीज़न है कि महिलाओं को मंदिरों में उनके मासिक धर्म के दौरान अलाउ नहीं किया जाता है या वो नहीं जाती हैं। दोस्तों हमारा जो शरीर होता है वो एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे फैक्ट्रीज में भी अंत में द्रव्य शेष बचता है, उसी तरह हमारी बॉडी से भी ऐसी द्रव्य यानी लिक्विड निकलता है जो कि डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे पसीना हो गया, मलमूत्र हो गया, वॉमिटिंग होगी जब हम वॉमिट होना, या किसी तरह का ब्लड। शास्त्र कहते हैं कि जितनी बार हम द्रव्य को बाहर निकालते हैं तो हमें उसके बाद शुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी अलग अलग तरीके से शुद्धि करते हैं या शास्त्रों में जो हर एक द्रव्य के बाहर निकलने की अलग अलग विधि होती है। जैसे उबासी लेने पर मुंह के आगे चुटकी का विधान होता है, मूत्र त्याग करने के बाद हाथ पैर धोने का विधान है, ज़्यादा पसीना आने पर या मूत्र करने के बाद मल बाहर निकालने के बाद संपूर्ण स्नान का विधान है। ये सभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो चीज़ें अभी मैंने बताई ये सभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। पर दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जिन्हें प्रैक्टिकली हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में से एक चीज़ है औरतों में पीरियड्स का आना। हमारे शास्त्रों में रक्त प्रवाह होने पर हमें एज अ वुमन एज अ गर्ल, दोस्तों हमारे शास्त्रों में किसी भी महिला के मासिक धर्म के दौरान अनुमति नहीं है कि वो किसी मंदिर में जाए। पीरियड के दौरान महिला में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उनके शरीर से रक्त का प्रवाह होता है, उन्हें बहुत दर्द झेलना पड़ता है, उनके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते हैं। कभी कभी वे खुश दिखती हैं, कभी कभी वे एकदम से गुस्सा हो जाएंगी, या कभी कभी वो नाराज़ हो जाएंगी, कभी कभी वो चुप हो जाएंगी, कभी कभी दुखी हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिस तरीके से उनके माइंड में जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग थॉट्स आते हैं वो सही स्थिति नहीं है कि वे धार्मिक प्रक्रियाएँ कुछ भी कर सकें। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मंदिर नहीं जा रही है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वे घर पर बैठ के कुछ धार्मिक क्रियाएं या फिर वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बंद कर दें। बल्कि कई साधु संतों का कहना है कि औरतों का मासिक धर्म के दौरान मंदिर में आना, कि औरतें उनके मासिक धर्म के दौरान मंदिर में आ सकती हैं, उनका मानना है कि यदि वे आती हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकती हैं। जैसे अगर वो मंदिर में आ रही हैं, दर्शन वो कर सकती हैं, परंतु वे मूर्तियों को छू नहीं सकती, मूर्तियों पर भोग नहीं लगा सकती। जब कहीं भोग बन रहा होता है तो वहाँ वो उस पुजारी को नहीं छू सकती हैं, या वो जैसे वो तुलसी की परिक्रमा तो कर सकती हैं पर तुलसी को छू नहीं सकती। इसी तरीके से अनेक अनेक चीज़ें वो कर सकती हैं, पर उसमें कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो वो नहीं कर सकती हैं। कुछ महिलाएं इसी डर से कि उनसे अर्थ से अनर्थ ना हो जाए, उनसे कुछ ऐसा चीज़ ना हो जाए जिससे उनको हानि पहुँचे, तो इससे वे यही चाहती हैं कि वे घर पे बैठ के ही भगवान को याद करें, घर पे बैठ के ही अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। तो दोस्तों ये रीज़न था कि और ये रीज़न है कि औरतें जो हैं वो मंदिर क्यों नहीं जाती हैं उनके मासिक धर्म के दौरान। आई होप आप अब जान चुके होंगे, आप जो काफ़ी टाइम से काफ़ी सालों से जो चीज़ नहीं जानते थे अब वो आपको क्लियर हो गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि किसी को
जिसको पता नहीं है उन्हें पता लगे या वो जाने इन सब चीज़ों को, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी इसके बारे में जान सकें कि हमारे शास्त्रों में चीज़ें ऐसे ही नहीं दी गई हैं। अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं या कोई चीज़ करते हैं, हम अपने घर पे कोई चीज़ करते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो शास्त्रों में कोई चीज़ ली है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है।